शीर्षासन से आखिर होता क्या है, हमें समझना होगा। शीर्षासन से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, आंखों में, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां बढ़ जाता है। आपने देखा होगा लोगों की खोपड़ी में यहीं से बाल क्यों झड़ते हैं, ऊपर से, यहां से सबसे पहले जो सबसे हमारा ऊपर वाला हिस्सा यहां से झड़ते हैं, फिर झड़ते 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 यहां तक जाते हैं, यहां तक बाल झड़ते, यहां से नहीं झड़ते, पीछे से नहीं झड़ते, क्यों? जो सबसे ऊंचा हिस्सा है हमारे शरीर का, वहां ब्लड की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है। और जब आदमी तनाव में होता है तो वो नसों में और संकुचन हो जाता है, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम के काम है ये ऊपर वाले हिस्से पर नहीं हो पाते। इसलिए जो यहां से हमारे स्कल से बाल गायब होने लगते हैं, खोपड़ी से, यहीं से बाल ज्यादा सफेद होते हैं, पहले आदमी के यहीं से बाल सफेद होते हैं। तो उसको हमारे ऋषि ने कहा कि यहां ब्लड का एनर्जी का फ्लो पूरा होना चाहिए, यहां का सर्कुलेटरी सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने शीर्षासन करा दिया। अब ये उसका आसान तरीका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा संबंध जो है वो ऑक्सीजन के साथ में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। तो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम हम अनुलोम विलोम से अच्छा कर देते हैं, वही काम शीर्षासन में होता है। अब मैं शीर्षासन बता रहा हूं आपको, तो शीर्षासन सब नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं, इसलिए आप अनुलोम विलोम करते रहो, शीर्षासन में आपको बता देता हूं, बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। तो शीर्षासन में हम बॉडी के वेट को बैलेंस करते हैं यहां पर, और इसको जैसे मैं अनुलोम विलोम 15 मिनट कराता हूं, ऐसे ही लोग 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा शीर्षासन किया करते थे, लेकिन मैंने कहा वो डेंजरस हो सकता है। देखो ऐसे तरीका है शीर्षासन का, जो बचपन से करते हो वे करना चाहे तो कर सकते हैं। जितनी देर शीर्षासन किया जाता है उतनी देर फिर खड़ा हुआ जाता है या लेटा देते हैं उसको। ऐसे ही शीर्ष पद्मासन होता है, शीर्षासन में ही पैरों को पद्मासन की स्थिति में ले आते हैं, तो शीर्ष पद्मासन होता है। अब जो शीर्षासन न कर पाए तो वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं, मैंने कहा ये बच्चे इजीली कर सकते हैं। अब सर्वांगासन में भी वही फायदा होता है जो अनुलोम विलोम से होता है, तो सर्वांगासन इस पर कंधों और सिर पर कोहनियों पर पूरे शरीर का भार संतुलित होता है, ऊपर पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, घुटने सीधे, तो ऐसे 2-5 मिनट इसको किया जाता। फिर हलासन बच्चों के लिए हम कराते हैं, चक्रासन भी बच्चों के लिए हम कराते हैं, चलो एक आसन हम आपको भी बता देते हैं, ये तो बच्चों के लिए खास सर्वांगासन, चक्रासन, हलासन, हाइट बढ़ाने के लिए हम विशेष रूप से कराते हैं। अब दोनों पैर सामने खोल लीजिए, जरा दोनों हाथ आपके साइड से ऊपर उठाते हैं, पश्चिमतानासन, कमर में दर्द हो तो नहीं करना, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाए और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, कोशिश करो माथा घुटनों से लगाने, दोनों हाथ साइड से नीचे आ गए, नहीं हो पाता है तो ऐसे ऐसे ही कर लो, ऐसे इसे कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाएगी। ये
कुछ खास आसन हमने बताए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।